बलवान कौन? पाठ प्रवेश। हम सभी एक दूसरे से स्वयं को बलवान और महान समझने की भूल करते हैं। परिणाम स्वरूप आपसी मनमुटाव होता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, डेविड ने ऊंची आवाज में कहा। जी नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, इसलिए मैं ही ज्यादा ताकतवर हूँ, जॉय ने डेविड की बात का जवाब दिया। मैं तुम नहीं, मैं उनकी चीख चिल्लाहट से दादाजी की नींद खुल गई। अरे यह क्या शोर मचा रखा है, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं, दादाजी ने कमरे से बाहर आकर कहा। देखिए ना दादाजी, भैया कहते हैं कि वे बड़े हैं, इसलिए वे ही ज्यादा ताकतवर हैं, मैं नहीं, डेविड ने दादाजी को बताया। और नहीं तो क्या, जो बड़ा होता है वही शक्तिशाली होता है, क्यों दादाजी, जॉय ने कहा। तुम दोनों अपनी अपनी जगह बलवान हो, चलो इधर आओ, मैं तुम्हें सच्चे बलवान की कहानी सुनाता हूँ, तब तुम समझोगे कि असल में बलवान कौन होता है। एक बार की बात है, सूरज और हवा में तुम्हारी तरह झगड़ा हो गया। हवा कहती, मैं महान। सूरज कहता, मैं बलवान। हवा बोली, आज तो इस बात का फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में कौन बलवान है, तुम या मैं। लेकिन इस बात का फैसला होगा कैसे, सूरज ने पूछा। हवा ने एक आदमी की तरफ संकेत करके कहा, देखो वह कंबल ओढ़े जो आदमी जा रहा है ना, हम दोनों में से जो उसका कंबल उतरवा देगा वही बलवान होगा। ठीक है, सबसे पहले तुम जाकर प्रयास करके देख लो, उसके बाद मैं अपनी कोशिश करूंगा। सूरज की बात मानकर हवा उस आदमी के पास जाकर तेजी से चलने लगी। हवा चलते देख उस आदमी ने कंबल ठीक से लपेट लिया। हवा और तेज चली, उस आदमी ने कंबल को और कसकर लपेट लिया। हवा ने भयंकर आंधी का रूप धारण कर लिया, पर यह क्या, जितनी तेजी से हवा चलती आदमी और अधिक ताकत से कंबल को पकड़ लेता। उसने कंबल नहीं उतारा। हवा परेशान होकर सूरज से बोली, चलो अब तुम्हारी बारी, मैंने तो अपनी सब कोशिशें करके देख ली। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर सूरज धीमी गति से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सूरज की किरणों के चारों ओर फैलते ही संसार में उजाला हो गया, चारों ओर धूप खिल उठी। वह आदमी अपने अंदर गर्मी महसूस करने लगा। जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज होती गईं, वैसे वैसे वह आदमी कंबल को हटाने लगा। पहले उसने अपने कंबल को एक कंधे पर लटका लिया। धूप और तेज हुई तो गर्मी के कारण उसने अपना पूरा कंबल उतार कर एक ओर फेंक दिया। यह देखकर हवा का घमंड चूर चूर हो गया। उसने हाथ जोड़कर नम्र स्वर में सूर्य को प्रणाम किया और बोली, आप ही महान हैं सूर्य देवता, आप जीत गए, मैं हार गई। सूरज ने हवा को प्यार से समझाया, हवा रानी, तुम्हारे बिना तो लोग सांस ही नहीं ले सकते, तुम तो सबको जीवन प्रदान करती हो, प्राण देती हो, इसलिए तुम भी श्रेष्ठ हो। सूरज की बात सुनकर हवा खुश हो गई। वह बोली, आप ठीक कहते हैं, हम सभी अपने अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं। फिर दोनों प्यार से रहने लगे, अब उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। अंत में दादाजी बोले, देखा बच्चों, प्यार से रहो, प्यार में ही ताकत है, प्यार ही सबसे बलवान है।